प्रदेश सरकार के फैसले जनता के प्रति सरकार की निर्ममता तथा तानाशाह पूर्वक कार्यप्रणाली का आभास करवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में अधिक जनसंख्या निर्धन, लोअर मिडिल और मध्यम वर्ग की है और सरकार महामारी से जूझते इन वर्गों को प्रताड़ित करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार के आए दिन लिए जा रहे निर्णयों से आम जनता पर महंगाई का बोझ भी पड़ेगा। प्रेम कौशल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जिस प्रकार एक दिहाड़ीदार मजदूर रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसी तरह प्रदेश सरकार की हालत हो चुकी है। वर्तमान सरकार की सोच में आकस्मिक आने वाली किसी महामारी अथवा आपदा का मुकाबला करने के लिए ना कोई योजना थी और ना ही धन का कोई प्रावधान था। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान में निर्ममता पूर्वक और तानाशाही पूर्वक काम करने वाली सरकार है। जिस तरीके से प्रदेश में आयकर देने वाले जो लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर वो श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है, छोटा व्यापार करने वाले लोग हैं, और इस श्रेणी को डिपो के माध्यम से मिलने वाला जो राशन है उससे वंचित करने का निर्णय सरकार ने लिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास और मिडिल क्लास को झेलना पड़ा है, बजाय इस वर्ग के लोगों को राहत देने के, उनकी मदद करने के। प्रदेश सरकार जो है वो तरह तरह के टैक्स लगाकर जनता को निचोड़ने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की हालत एक दिहाड़ीदार मजदूर जैसी है जो रोज कमाता है और रोज की कमाई से अपने परिवार को चलाता है। सरकार के निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार की प्रदेश के अंदर आकस्मिक आने वाली किसी आपदा अथवा महामारी का मुकाबला करने के लिए ना तो कोई पूर्व में कार्य योजना थी, ना ही किसी तरह से धन का प्रावधान था। महामारी के चलते जहां जनता पहले ही कठिनाई के दौर से गुजर रही है, वहीं अपने आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार अपने खजाने से खर्च करने की बजाय उल्टा जो जनता की जेब है उसको खाली करने में लगी है। ये एक सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसा लगता है कि सरकार में कोई ऐसे लोगों की कमी है जो आर्थिक प्रबंधन जो है उसको सही तरीके से कर सकें, जिसमें जनता को राहत भी मिले और जो एक सरकार की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चले। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पत्रकार साथियों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को तानाशाही करार देते हुए कहा कि जनता की आवाज बुलंद करने वाले और व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध सरकार की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इन्हें तुरंत रद्द करने की मांग करती है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे जनविरोधी फैसलों का विरोध करती है और यदि सरकार ने इनमें बदलाव नहीं किया तो पार्टी जनहित में आंदोलन का रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं जो कि प्रदेश के अंदर इस महामारी के दौर में जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनकी तकलीफ़ों को सामने ला रहे थे और व्यवस्था की जो कमजोरियां हैं उनको उजागर कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी अलग अलग ज़िलों में प्रशासन ने और सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और सरकार का और प्रशासन का जो एक कदम है ये तानाशाही पूर्वक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, जनता की और पत्रकारों की आवाज़ को
इस तरीके से दबाना और इस तरीके से उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।